तो मैकेनिक दोस्तों प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट हो या फिर इसके सोल्यूशन देने से पहले आपको दो तीन चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास एसीजी वाली गाड़ियां आती है तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना है कि उसका जो एसीजी कंट्रोलर है वो सिल्वर कलर में है या फिर ब्लैक कलर में है। ये दो कलर ऑप्शन में आता है, एक आता है हमारा सिल्वर, दूसरा आता है एक ब्लैक। तो जो हमारा ब्लैक एसीजी स्टार्टर यानी एसीजी कंट्रोलर रहेगा उसमें जो है हॉल इफेक्ट सेंसर नहीं लगा रहेगा, और जो हमारा सिल्वर कलर का रहेगा उसमें हॉल सेंसर लगा होता है। तो ये जो वायर आपको दिख रहा है ये हॉल सेंसर का वायर है जो कंप्लीट इसके मैग्नेट से जाता है, तो यह चीज जरूर ध्यान रखें। तो इसके अंदर मैग्नेट साइड लगा हुआ है हॉल सेंसर। अब चलिए आपको हम बताते हैं क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन कैसे निकालना है, एक एक प्रोसेस बताएंगे, 100% आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो हॉल इफेक्ट सेंसर का वायर है इसको लगा देते हैं। और ब्लैक वाले एसीजी में सिर्फ तीन कपलर मिलेगा, 1, 2, 3, यह व्हाइट वाला नहीं रहेगा ब्लैक वाले में। ये पहले वाला वेरिएंट है, अब इसके अंदर बदलाव करके कंपनी रिकमेंडेड ब्लैक एसीजी कंट्रोलर डाल दिया गया ताकि हॉल सेंसर से जो प्रॉब्लम आती थी गाड़ी चलते चलते जो बंद होती थी या फिर करंट छोड़ देती थी उसका प्रॉब्लम हॉल सेंसर से होता था। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। अब चलिए दूसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो चीज नोटिस करने वाली है, जब भी आपके पास एसीजी वाली गाड़ियां आती है जैसे इग्निशन को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे येलो कलर का जैसे ही लाइट जल जाए समझ लीजिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकालने के लिए यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन जो है इसको 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है, उसके बाद से यहाँ पे एरर डिटेक्ट करेगा। तो इसका पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्या चीज ब्लिंक करेगा तो क्या चीज खराब है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, क्या है गाड़ी में प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं। तो देखिए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले उसका आपको हम प्रॉब्लम दिखाते हैं फिर सोल्यूशन दिखाएंगे। तो देखिए मैग्नेट ऐसा फील होता है कि अब मैग्नेट घूमेगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, बट एसीजी थोड़ा सा वर्क करने में जो है लेट कर देती है, यानी जिस तरह से पावर जनरेट होना चाहिए उस तरह से जनरेट नहीं हो पा रहा है। देखिए सेल्फ यूज करेंगे किस तरह से मूव होगा बट गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो देख पा रहे कुछ मूवमेंट इसके अंदर दिख रहा है, जैसे सेल्फ वाले बटन को प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट दिखता है कि आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बट उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब चलिए आपको फिर से एक बार दिखाते हैं फिर आपको बैटरी का वोल्टेज दिखाएंगे। बहुत समय ऐसा होता है कि बैटरी का वोल्टेज डाउन होने से इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट बैटरी एकदम हमारा प्रॉपर एकदम जो है ना 2-3 बैटरी लगा के चेक कर लिए, वायरिंग फ्यूज एसीजी इसका सारा चीज चेकआउट कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा है। तो किस तरह से सोल्यूशन निकालना आज निकाल के ही रहेंगे। तो देखिए किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यही इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो चलिए आपको बैटरी का वोल्टेज चेक कराते हैं। तो ये इसका कंपनी रिकमेंडेड जो एक्साइड की बैटरी लगी होती है, फिर से इसे मैंने चार्ज करके यहां पे असेंबल किया है। अब चलिए आपको वोल्टेज यहां पे चेकआउट करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को इस जगह पे मैंने होल्ड कर दिया है और नेगेटिव का नेगेटिव पे टच करेंगे और पॉजिटिव का पॉजिटिव पे टच करेंगे। तो अगर इसका वोल्टेज आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो 12 वोल्ट से प्लस हमारी बैटरी चार्ज है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अदर बैटरी इसमें इंस्टॉल करके देखे हैं फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब रही बात फ्यूज की, तो फ्यूज इसका ओके है, अगर फ्यूज सही नहीं रहता तो हमारी गाड़ी स्टार्ट सेल्फ से यहाँ पे मूवमेंट दिखता ही नहीं। अब जब सारा चीज हमारी गाड़ी में सही है तो फिर गाड़ी हमारी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तो आपने अगर ये भी देखा होगा और नोटिस करने की कोशिश की होगी कि मूवमेंट ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हमारा जो है सेल्फ से अब स्टार्ट हो जाएगा, अब स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉब्लम जहां तक देखा जा रहा है इसके एसीजी का ही है। तो चलिए सबसे पहले इसके मैग्नेट को हम ओपन करते हैं, जब ही पता चल पाएगा क्या है इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसका एसीजी टाइट होता है, तो चलिए इसके मैग्नेट को ओपन करते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेट अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर रस्ट पड़ा हुआ है, हो सकता है इसके अंदर पानी वगैरह जाने से या फिर डस्ट पार्टिकल जाने से इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मैंने इसके एरर कोड को पहले ही मैंने बताया कि एरर कोड को जब मैंने निकालने की कोशिश किया तो कोई भी इसके अंदर एरर फ्लक्चुएट नहीं हुआ। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके एसीजी को ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे लॉक को असेंबल करके इसको ओपन कर ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड, अगर देखे तो अभी भी इसके अंदर ग्लू गोंद लगा हुआ है। ये देखे जो कंपनी रिकमेंडेड इसके अंदर लगा होता है कंप्लीट लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी गाड़ियों में, क्या होता है इतना ज्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम आता है कि समझ से बाहर हो जाता है।
तो मैंने इसके सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे कैसे सारे चीजें चेक करनी है। बट कभी कभी ऐसा इरिटेटिंग प्रॉब्लम आता है कि हम सभी मैकेनिक भाइयों को साथ चाहते हैं कि उन सभी तक शेयर कर दें ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम आए तो आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए इसके मैग्नेट को ओपन करते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके जैसे ही यहाँ पे ओपन किए इसके एसीजी को और आपको मैंने दिखाया कि फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है। अब जब फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो यहाँ पे अगर देखें तो क्यों इस तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ था हमारा मैग्नेट, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा इसके अंदर रस्ट है। इस तरह से होता है कि बहुत समय ऐसा रस्ट हो जाने के बावजूद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से या फिर पिकअप कोयल में ज्यादा डस्ट पार्टिकल जाने की वजह से हमारी गाड़ी सेल्फ से रन नहीं हो पाता। ये देखिए यही रीजन है जो इसके अंदर एसीजी काम नहीं कर रहा और हमारी गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। देख सकते हैं इतना ज्यादा अगर डस्ट पार्टिकल रहेगा, क्योंकि जब से अगर इसके अंदर प्रॉब्लम रहता तो मैं इसके जब भी सेल्फ वाले बटन को प्रेस कर रहा हूं और इसके अंदर जो फ्लक्चुएट होना चाहिए एरर वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो ब्लिंक वही नहीं कर रहा, हम समझ गए इसके अंदर कोई भी सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें सिर्फ इसके अंदर रस्ट पार्टिकल है। अब हमें इसको कम्प्लीटली क्लीन करना पड़ेगा और आपको दिखाते हैं। चलिए हॉल इफेक्ट सेंसर इस किसे कहते हैं और गाड़ी जो चलते चलते बंद होती है हॉल सेंसर लगा कहाँ होता है। तो ये 3 वोल्ट को ओपन करेंगे उसके बाद हमें हॉल सेंसर मिलेगा और सारे चीजों को क्लीन करेंगे। यहाँ पे पेट्रोल किरोसिन मोबिल कुछ चीज का उपयोग नहीं करेंगे, अच्छे से तरह से लिक्विड से क्लीन करेंगे ताकि कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो। वरना बहुत समय क्या होता है कि एसीजी को अगर पेट्रोल से आप वॉश करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको ओपन करके क्लीन करते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी सेल्फ लेगी या फिर एसीजी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा।